प्रतीक जी, क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं। प्रतीक जी, क्या हुआ है? आप क्यों इतने उदास हो? आज तो खुशी का दिन है ना, फाइनली बुआ सा हमें सब कुछ वापस देकर गाँव चले गए। लेकिन सोच के देखो ना रितु, ये नौबत आई क्यों? अगर बुआसा का मन नहीं बदलता तो आज निहार की वजह से हमसे सब कुछ छिन जाता। पर प्रतीक जी, इसमें निहार भैया की क्या गलती? वो तो बुआसा ने उन्हें धोखा दिया ना। पर वो ये धोखा मुझे और पापा को तो नहीं दे पाई ना। उन्होंने निहार को अपना शिकार इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें पता था कि निहार कमजोर है। और सच कहूं रितु, मुझे आज भी लगता है कि निहार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। वो तो निहार जी, भाई वो प्रिया को पिज्जा बहुत पसंद है ना, तो उसके लिए लेकर आया था। निहार भाई, क्या करते हैं आप? प्रतीक जी, कितना बुरा लगा होगा निहार भैया को। अब जाइए, जाके मनाइए उन्हें, जाइए। निहार जी प्लीज शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ रुचिता? यार निहार, मेरे कहने का वो मतलब नहीं भाई, था। मैं जानता हूँ आपके कहने का वही मतलब था, पर आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं, इसीलिए मैं किसी को कोई तकलीफ या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस से अलग हो रहा हूँ। मैं आपके और पापा की तरह बिजनेस नहीं संभाल सकता, इसीलिए बेटर है कि मैं अपना कुछ अलग कर। आपका बतंगड़ बना रहा है। निहार जी, अब इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कुछ सोचिए तो सही। अब यूं ही गुस्से में इतना बड़ा फैसला लेना सही नहीं है। रुचिता, मैं गुस्से में फैसला नहीं ले रहा हूँ। और भाई सही कह रहे हैं, क्या किया मैंने? एक पल में ऑफिस, घर सब गवा दिया। मुझे पापा और भाई के साथ बिजनेस में रहने का कोई हक नहीं है। नहीं निहार भैया, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये सब जो भी हुआ ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट आप ये समझ लीजिए कि ये सब एक बहुत बड़ा हादसा था। गलती है भाभी। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? बड़ी मुश्किलों के बाद इस घर में खुशियां आई हैं और तुम दोनों ने झगड़ना शुरू कर दिया। सॉरी पापा जी, वो गलती निहार जी की है, उन्होंने भैया की बात को कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया। नहीं नहीं पापा जी, वो गलती प्रतीक जी की है, वो बेकार में निहार भैया को दोष दे रहे हैं। देखो, सीखो कुछ अपनी पत्नियों से। लोग कहते हैं कि बहुएं घर तोड़ती, लेकिन मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मेरी बहुएं घर की शांति बनाए रखने के लिए अपने पतियों की गलतियां निकाल रही हैं। और तुम दोनों को लड़ने से फुर्सत नहीं। और प्रतीक, बिना गलतियां किए कोई बिजनेस नहीं सीख पाता। तुमने भी जब शुरुआत की थी तब कई सारी गलतियां की थी। तुम्हारी गलतियों की वजह से अच्छी अच्छी डील हमारे हाथ से जाते जाते बची है, याद है ना? लेकिन फिर भी तुमने उन हर गलती से कुछ सीखा था और इसीलिए आज तुम इस मकाम पर पहुंचे हो। माना निहार से गलतियां हुई, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आइंदा से ये गलती नहीं करेगा। गलतियां तो होती रहती है, लेकिन उन हर गलती के पीछे एक सीख छुपी होती है। इसलिए गलतियों पर पछताने से बेहतर है कि हम उसे सीखें और आगे बढ़े। वो तुम लोग कहते हो ना, लेट्स मूव ऑन। निहार जी, भैया प्लीज, आप लोग अपना गुस्सा और गिल छोड़ के एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि एक परिवार और बिजनेस बिना एकता के कामयाब नहीं हो सकते। रुचिता बिल्कुल ठीक कह रही है। चलिए, अब आप दोनों अपना झगड़ा बंद कीजिए। चलिए, अभी एक दूसरे का मुंह क्या ताक रहे? अपनी पत्नियों की बात मानो और माफी मांगो एक दूसरे से।
सॉरी निहार, पता नहीं गुस्से में क्या क्या कह गया मैं। डर था कि अगर सब कुछ चला जाता तो क्या होता, प्रिया की अच्छी परवरिश कैसे करता, उसे खुश कैसे रखता। अपने भाई को माफ कर दे यार। नहीं भाई, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ। तू सॉरी किसी और से बोल लेना, आज मेरी बारी है। चल चलो भाई, बहुत देर हो गई है, जाके सो जाओ अभी, कल सुबह इन दोनों को निकलना भी है। गुड नाइट रुचिता। गुड नाइट। गुड नाइट बाबूजी। खाटू श्याम जी, कल जो टिकट जली उसका वहम मेरे मन से नहीं निकल रहा, इसलिए प्लीज हमारे सफर में हमारी रक्षा कीजिएगा।